नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम आए हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलो आश्रम इंदौर में, और यहाँ पर अभी हम भंडारा स्थल में हैं। और भंडारा स्थल में हमने देखी हैं कुछ ऐसी मशीनें जो कि आप देख सकते हो कैसी कैसी मशीनें हैं, और हमको पता चला है कि इन मशीनों से खाना बनता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे ये मशीनें हैं और इनसे कैसे खाना बनता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी मशीन यहाँ पर है, और अभी हमको पता चला है कि इस मशीन से रोटियां बनती हैं। और अभी यहां पर इस मशीन को चलाने वाले एक भगत हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मशीन कैसे चलती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी कहां से हैं आप? हम हरियाणा रोहतक से हैं। अच्छा, आप यहां पर इन मशीनों को चलाते हैं? हाँ जी, मालिक की दया से हम इन मशीनों को चलाते हैं। अच्छा, मालिक की दया से। तो आपके मालिक कौन है? संत रामपाल जी महाराज। तो ये मशीनें जो हैं यहाँ पर देखी जा रही हैं, ये मशीन, इन मशीनों से क्या होता है क्या आप बता पाएंगे? इसमें आटा लगाते हैं जी हम इन मशीनों में। इस मशीन के अंदर 50 किलो आटा एक बार में लगाया जाता है, और ये 50-50 किलो आटा लगाने वाली दो ये मशीनें इधर हैं, और 20 किलो आटा लगाने वाली ये मशीन एक इधर है। और यहाँ से आटा लगाने के बाद ये जो मशीन है हमारी, हम इसमें आटा डालते हैं। और एक ये मशीन बहुत सारे भक्तों के लिए, हमारे लिए जो है रोटी बना सकती है। और ये मशीन एक घंटा में 20,000 रोटी बनाती है, जो कि 5,000 भक्तों को एक घंटा में ये खाना खिला सकती है। हजारों आदमी अगर लगातार खाना खाना शुरू करें तो भी उसके लिए पर्याप्त भोजन बना सकती है। ये सभी जो है गैस का, हमारा जो है गैस का है, इसमें रोटी गैस से पकती है। और रोटी आपको ऐसे मिलेगी जैसे आप घर में रसोई में रोटी खाते हैं, ऐसी रोटी मिलती है आपको। ये है हमारा घी लगाने वाला, जिसमें देसी घी डाला जाता है, और इसके ऊपर से जो ना घी लग करके जो ना रोटी बाहर निकलती है। और ये आटा यूज करते हैं, देख सकते हैं आप। भगत जी एक बात बताइए, जैसा कि आपने बताया ये बहुत सारी रोटी एक बार में बना देती है, हजारों लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा सकते हैं इसी मशीन के थ्रू। तो क्या होगा अगर लाखों भगत यहाँ पर आ जाएं और ये मशीन कमज़ोर पड़ जाए, तो क्या होगा? ये मशीन कमज़ोर नहीं पड़ती, परमात्मा की दया से ये मशीन लाखों भक्तों को भी खाना बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम इसको जो थोड़ा समय से चलाना शुरू कर देंगे, अभी तो हम जैसे एक एक घंटा लगातार चलाते हैं, तो फिर इसको हम थोड़ा सा पहले चलाना शुरू कर दें ताकि लाखों भक्तों के लिए ये खाना बना सके। और अभी आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसको चलाने का, इसका भी आपको संत रामपाल जी महाराज या फिर इनके शिष्य कुछ पैसा देते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज की जो हम यहाँ सेवा करते हैं वो सेवा फ्री करते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं। क्योंकि हमें पता है इस सेवा का कि इस सेवा से लाभ कितने हैं, इस परमात्मा की सेवा करने से शरीर के कितने भी रोग हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। भगवान की एक वाणी है, गरीब जलमिल दीपक तेज के दशो दशा दरहाल, और सतगुरु की सेवा करे वो पावे मुक्ता माल। यहाँ सेवा करने से हमारे शरीर के सभी रोग नष्ट हो सकते हैं, और हमें वो शांति मिलती है जो यहाँ बाहर कहीं भी शांति नहीं मिल सकती।